एक और चीज है, देखिए दावत के लिहाज से भी, यानी जमीनी सतह पे दावत, ऐसा नहीं कि अभी सोशल मीडिया पे तकरीर हो रही है, दर्स हो रहा है, स्ट्रीम हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो अब जमीनी सतह पे किसी से मिल के बात करने की जरूरत नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पे ये मामला भी कमजोर दिखाई देता है, यानी जमीन पे चल के ग्राउंड पे आके लोगों को दावत देना, लोगों को दीन की बात समझाना, उनके मसले सुनना, उनसे बात करना। तो अब सारी मेहनत सिर्फ सोशल मीडिया पे हो तो ये मुनासिब नहीं, वहाँ भी काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस काम की कोई अहमियत नहीं है, बस काम वही लोग कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। बल्कि कुछ लोग ऐसा बोलते रहते हैं ना, यानी सोशल मीडिया का एक नुकसान ये भी है कि वो गलत फहमी पैदा हो रही है बहुत सारे लोगों में, यानी जो आदमी सोशल मीडिया पे नहीं है वो यहाँ की तकरीर नहीं करता या कोई काम करता नहीं या कुछ दिखाता नहीं है, तो ये समझा जाता है कि ये कोई काम ही नहीं कर रहा, यानी ये लोग, ये इदारा काम नहीं कर रहा, ये लोग काम नहीं, काम तो वही लोग कर रहे हैं जो आके सोशल मीडिया पे हमेशा जगमगाते रहते हैं। बल्कि यहीं पर एक बात याद आ गई, सोशल मीडिया का एक बदतरीन नुकसान जो है वो ये है कि जो लोग ज़कात वगैरह वसूलते हैं या गरीबों के लिए फ़ंड वसूलते हैं, वो कितनी गलत हरकत करते हैं कि गरीबों को राशन देंगे या कुछ भी देंगे तो उसका फ़ोटो ले लेंगे और फ़ोटो लाने के बाद उसको सोशल मीडिया पर डाल देंगे। मतलब कितनी गिरी हुई हरकत, मतलब ये चीज़ पहले तो नहीं थी ना, पहले ये मुमकिन नहीं था कि एक गरीब को तकलीफ़ दी जाए, यानी आदमी मदद करता था खामोशी के साथ, उसकी मदद हो जाती थी। लेकिन अब जो बैतुल माल वाले, एनजीओ वाले, बहुत सारे इदारे, ये लोग इतना बुरा हाल कर गए, गरीबों को इतना दुख देते, इतनी तकलीफ़ देते, इतनी अजियत देते उनको, यानी कोई भी थोड़ा सा भी ताउन कर देंगे उसको ला के सोशल मीडिया पर डाल देंगे, 500 रुपये की नोट थमाएंगे, फोटो खींचेंगे, ला के सोशल मीडिया पर डालेंगे। ये हराम और नाजायज़ है, किसी भी गरीब को तकलीफ़ देना ये हराम और नाजायज़ है। आप किसी की मदद कर रहे हैं तो खामोशी के साथ मदद करें, उसकी इज्जत का ख्याल करते हुए। और इसी वजह से ऐसी जगहों पे कितने जो मुस्तहिकीन हैं वो मदद लेने जाते भी नहीं, जो परेशान हाल हैं वो यहाँ पे मदद लेने नहीं जाते, सिर्फ ये सोचकर कि इनके पास जाएंगे तो ये जलील कर देंगे, ये फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालेंगे। तो देखिए, आप ये ना समझें कि अगर आप सोशल मीडिया पे तस्वीर नहीं डालेंगे तो आपके नेक अमाल को कोई देखने वाला नहीं होगा। सही बुखारी की एक हदीस में आपको सुनाऊं, वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी इबरत है उसमें, खासतौर से उन लोगों के लिए जो अपनी हर एक्टिविटी को सोशल मीडिया पे लेके ढिंडोरा पीटते हैं, कि खासतौर से वो बैतुल माल वाले जो किसी की मदद करते हैं, जाके फोटो क्लिक करके वहाँ पे डालते हैं, हमने इनको राशन दिया, हमने इनको ये दिया, हमने इनको ये चीज़ दी, ये जो लोग करते हैं उनके लिए वो हदीस है। सही बुखारी की हदीस मालूम होगी कि एक औरत जा रही थी कहीं पर, उसने एक कुत्ते को पानी पिला दिया, कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश कर दी। और बाज़ रवायत में आता है गुफिरा लिमरातिन मुमिसा, सही बुखारी की रवायत है कि वो बदकार औरत थी, यानी फाहिशा औरत थी, कोई ऐसा नहीं कोई नेक औरत थी, फाहिशा औरत थी, लेकिन उसने एक इतना अच्छा काम किया कि इस काम की बदौलत अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया, उसको जन्नत दे दी, उसकी सारी बुराइयां बदकारियां माफ़ कर दिया अल्लाह ताला ने। लेकिन सवाल ये है कि ये वाक्य हमको पता कैसे चला, यानी आज मैं आपको ये वाक्य सुना रहा हूँ, बहुत सारे उलमा सुना रहे हैं, ये कैसे पता चला? क्या औरत ने जब ये काम किया उस वक्त कोई कैमरा लगा हुआ था, रिकॉर्ड कर रहा था, उसको क्लिक करके फेसबुक पे डाला गया, या वहाँ कोई देख रहा था बंदा? कोई नहीं देख रहा था। खुद उस औरत ने अपनी जबान से कहीं बयान नहीं किया कि मैंने इतना नेक काम किया, ना किसी बंदे ने वो काम करते हुए देखा, ना किसी बंदे ने वो काम करते हुए देखा है, ना उस औरत ने कहीं बयान किया है, ना उस दौर के लोगों ने बयान किया है, ये सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ रिकॉर्ड है, उसका ये अमल अल्लाह ताला के यहाँ रिकॉर्ड है। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि फला जमाने में ऐसा वाकया हुआ एक औरत के साथ, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबे कराम को बताया, फिर सहाबे कराम के जरिए पूरी दुनिया में ये वाकया आम है। तो आप देखें कि एक जानवर की मदद की एक औरत ने और अल्लाह के यहाँ उसका कितना बड़ा सिला, अल्लाह ताला ने बाद में उस अमल को आम भी किया, अल्लाह ताला ने सबको बताया। तो आप यह समझे कि कोई कैमरा नहीं देख रहा है आपको, कोई नेक काम करते हुए, तो उस नेक काम की कोई अहमियत नहीं है। उन लोगों को, उस औरत को, औरत कुत्ते को पानी पिला रही थी, कोई कैमरा नहीं देख रहा था, लेकिन कितना बड़ा उसको सिला मिला। तो आज ये सोशल मीडिया का बहुत ही बदतरीन नुकसान है, बहुत ये मनफी पहलू है कि गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनकी मदद करके और दीन के नाम पर सब कुछ होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया पे गरीबों की फोटो डालना बंद कीजिए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा, बात यहाँ पर आ गई गरीबों के तालुक से, बैतुल माल के तालुक से, कि सोशल मीडिया का गलत ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक उज्र पेश करते लोग कि ऐसा नहीं करेंगे तो चंदा नहीं आएगा। भाई, आपको किसने जिम्मेदारी दिया कि आप बैतुल माल को खोल के बैठो? आप नहीं कर पा रहे हो, बंद करो, कोई दूसरा काम जाके करो। ये क्या बहाने पेश कर रहे हो कि हम ये फोटो नहीं डालेंगे तो लोग हमारा ताउन नहीं करेंगे? आप गरीबों के साथ खिलवाड़ करोगे?
भाई आप कोई दूसरा बंदा उठे जो काम करे जिस तरह कर सकता है, आप नहीं कर सकते, आप दूसरा कोई कारोबार करो, कोई दूसरा काम करो। ये बहाने पेश करके आप इस्लाम के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। आपको नहीं करना, किसने जिम्मेदारी दी आपको बैतुल माल खोलो चलो, नहीं चला पा रहे बंद करो, कोई दूसरा अल्लाह का बंदा चलाएगा, जाओ जो आपका काम है वो काम करो, लेकिन गरीबों को जलील मत करो सोशल मीडिया पर, उनका फोटो खींच के मत डालो। बहरहाल दावत की बात में कर रहा था कि ये जो जमीनी सतह पे काम करने की चीज है, ये नहीं समझना चाहिए कि अब हम ऑनलाइन आ गए हैं तो अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। घर घर जाने की भी जरूरत है, लोगों से मिलने की जरूरत है।